वेलकम बैक अगेन, मैं सुजीत और आज स्टार्ट करते हैं एपी पार्ट सेकंड। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं कॉन्सेप्ट की। तो आज क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए स्टॉप, इधर कंसंट्रेट करते हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो बैक जाइए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखे। उसमें क्या दिया हुआ कि सम ऑफ T4 एंड T8 यानी टर्म 4 और टर्म 8 का सम 24 दिया है एंड टर्म 6 और टर्म 10 का सम कितना दिया है 44। ओके, तो ये दिया, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो ऑब्वियसली आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद होगा। यहाँ बेसिक फॉर्मूला क्या था कि T8 इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1d। ये आपका क्या है, बेसिक फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को आज यूज करने वाला है, ठीक। यानी कि जब भी यूज करते हैं जो नंबर, मान लीजिए अगर T4 है, T4 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 n। तो हमारा n यहां पे क्या है, ये वाला जिसके फुट पे रहता है उसी को हम n कहते हैं, 4। तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3, और यहां d हो गया। यानी T4 का फॉर्मूला हो जाएगा ये। अगर T8 का फॉर्मूला निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7d। एक कम करके देना जो भी टर्म रहेगा, ठीक। तो इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करते बनाते। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ T4? आपको थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन आता होगा, ये आ गया आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो T4 का फॉर्मूला क्या है, अभी लिखे थे a प्लस 3d, ओके, प्लस T8 का फॉर्मूला क्या है, टर्म 8 का a प्लस 7d, a प्लस 7d, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, ओके। तो ऐड कर लेते सेम वाले को, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया 10d इक्वल टू 24। तो इसको ऐसा करते हैं कि फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। फर्स्ट नहीं करते, इसमें से एक चीज क्या देखते हैं कि कॉमन ले सकते हैं, अगर बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया जाए या कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 12। समझ गए ये वाला, यहाँ क्या किया है कि 2 कॉमन ले लिए सारे डी से, ठीक। यहाँ से 2 हटा दिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिए, इसको भी कर दिए। तो फैक्टराइजेशन आता होगा तो वेल आप जान रहे होंगे, ठीक। तो इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ, पहला मान लेता हूँ। T6 का क्या होगा, जैसे उधर किया वैसे तरह, T6 का क्या हो जाएगा, a प्लस 5d होगा। एक क्या कम करना है, जो डिजिट रहेगा उससे एक कम लेना है, ठीक, थोड़ा सा नीचे। 10 है तो यानी 9 लेंगे, a प्लस क्या हो जाएगा 9d इक्वल टू कितना है 44। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू का, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा 14d इक्वल टू 44। 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लेते a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 22, ठीक। तो यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हैं, ऐसा करते ना, थोड़ा इजी कर देते, इसको इरेज कर देते, इसका कोई दिक्कत नहीं ना, इसको इरेज मैं कर दे रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं इस वाले ऊपर वाले टर्म को, जो पहला वाला जो था, ठीक, ये सेकेंड टर्म है। तो a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 5d, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको फर्स्ट कर लेते हैं, ये सेकेंड है। तो हम लोग क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकेंड, यानी पहले का वैल्यू किस में रख देंगे, दूसरे में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, a प्लस 7d इक्वल टू 22। तो a के जगह हम वैल्यू को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, यहां से हम वैल्यू लेते हैं। तो a के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 5d। तो हम क्या लिखते हैं, 12 माइनस 5d प्लस 7d इक्वल टू 22, ओके। तो ये कितना हो गया, ये 12 है, ओके, ये 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5d प्लस 7d हमारा क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो, हेलो, यस, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2d, और ये प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12, तो ये हो जाएगा 10। तो d इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 5, क्योंकि 2 से कट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, ओके। तो d हमारा 5 हो गया, तो a कितना होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन क्या था, पुट द वैल्यू इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू किसका, इसका d इक्वल टू क्या है 5, किस में रखेंगे, ये फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a इक्वल टू 12 माइनस 5d, ओके। तो
तो a इक्वल टू 12 माइनस 5 इनटू d का वैल्यू भी कितना है 5, तो ये हो गया 12 माइनस कितना 25, तो ये कितना बच गया 30 माइनस 30, ओके 25 इज ग्रेटर। तो क्वेश्चन अगर आप पॉज करके एक मिनट अगर पीछे जाते हैं 1.5 मिनट, तो उसमें लिखा हुआ था कि AP का ना फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म एटलीस्ट तीन टर्म लिखना है, ठीक। तो क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, हमें तीन चीज मिल गया, A मिल गया और हमें क्या मिल गया, D मिल गया, तो इसको इरेज करते हैं। तो क्या था कि वहां फॉर्मूला अगर सीरीज बने होंगे तो मैं बताया था कि T1 T2, तो T1 का फॉर्मूला क्या होता है, A होता है, बस D तो होता नहीं है। T2 का क्या, T1 का ये होता है, तो यानी कि हमारा T1 का बस A होता है फॉर्मूला, A हमारा क्या है माइनस 30, T2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D होता है, तो ऑब्वियसली A हमारा क्या है माइनस 13, D कितना आया 5, तो 5 ऐड कर देंगे तो 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा, हेलो यस आई एम टॉकिंग टू यू इधर कंसंट्रेट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 में से 5, ये हम कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा ना माइनस, फिर T3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 2D, ओके तो A कितना हो गया मेरा माइनस 13 और 2 × 5 तो कितना हो गया, सॉरी यहाँ माइनस 5, एक चीज मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, ये माइनस 5 ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे नहीं डी माइनस 5 नहीं सॉरी सॉल्व सॉरी डी 5 है, ये सही जा रहा है, तो ये कितना हो गया माइनस 13 प्लस 10 कितना हो गया माइनस 3, तो मेरा T1 निकल गया, T2 निकल गया, सॉरी T3 T2 और ये T1, तो ये सीरीज हो गया माइनस 13, आप लिख सकते सीरीज में माइनस 8 माइनस 3, तो ये और सो ऑन ऐसे से करके चला जाएगा, ठीक है इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर, स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा आपका, ओके तो आपने देख लिया क्या था कि व्हिच टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि ये एपी में दिया हुआ है, व्हिच टर्म ऑफ एन एपी गिवन है, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 81 होगा, कौन सा नंबर, यानी कि ये जैसे मान लीजिए ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, तो आप कितना ऐसे विदाउट फॉर्मूला तो आप बता नहीं सकते, अगर बता भी सकते तो स्टे का टू मच टाइम, मान लीजिए और बड़ा डिजिट रहेगा तो, ओके तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 81 दिया हुआ है कि यहाँ पे बताइए TN के जगह कौन सा नंबर आएगा, ओके तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, ठीक। तो क्या करेंगे TN n नहीं पता है, TN कितना दिया हुआ है 81, फॉर्मूला पता है TN का ऑब्वियसली, तो यूज करेंगे A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू 81, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक चीज निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे A और D कितना है, A तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया A इक्वल टू 5, ये फर्स्ट टर्म, D कितना है यानी कॉमन डिस्टेंस, इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 4 का, इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस 4, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया 4 हो गया, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज द डिजिट, ओके तो A मेरा कितना हो गया 5 हो गया और D कितना है N माइनस 1, D कितना है 4 है, ओके इक्वल टू 81, तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4 इक्वल टू 81, सॉल्व कर लेते हैं 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 प्लस 4n इक्वल टू 81, देन 4n इक्वल टू 81 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, ओके देन n इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 4 इट्स बिकम अ 20, यानी कि n इक्वल टू यानी T20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, ओके यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, दिस वन इज माय आंसर, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर, ओके आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, ठीक। एपी में ये डिजिट दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है, बोल रहा है कि बताइए कि यहां से लेके यहां तक कितने टर्म है, यानी कि हमें TN बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज और डिस्कशन कर लेते हैं, ए तो आपको पता होगा, सबसे पहले आपको हमें क्या फाइंड करना रहता है, ए इक्वल टू क्या हो गया 7, डी क्या हो गया डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस निकालने का एक तरीका है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T4, अगर ये LHS इक्वल टू RHS हो जाता है दैट इज मीन आपका कॉमन डिफरेंस T है, तो यहाँ पे क्या यहाँ से यहाँ कितना 4, यहाँ से यहाँ भी 4 है तो कॉमन डिफरेंस 4 है, ओके okay?
तो बोल रहा है कि 39 तक अगर ले जाएंगे तो कितना टर्म रहेगा, ये तो क्वेश्चन फिर वही वाली बात आ गई है नहीं। तो इजी आप इसको बना सकते हैं, यानी टी एन इक्वल टू कितना दिया 139 दिया, तो कितना टर्म होगा जल्दी बताइए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 139। सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं, पॉज कीजिए वीडियो इसको सॉल्व कीजिए। ए का वैल्यू कितना है ऑब्वियसली 7, तो 7 प्लस एन माइनस वन डी का वैल्यू कितना है 4। ये सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस वन वाला, मैं सॉल्व करता हूँ, 7 प्लस 4 एन माइनस 4 इक्वल टू 139, ये हो जाएगा कितना 3 प्लस 4 एन इक्वल टू 139, 4 एन इक्वल टू 3 माइनस कर देंगे तो 136 आ जाएगा, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, 1 4 4 जा 16, यानी एन इक्वल टू कितना हो गया 34, कितने टर्म होंगे 34 टर्म होंगे। ओके टोटल कितने टर्म होंगे 34, ठीक है समझ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। ओके पढ़ लिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि एपी में दिया हुआ है ये नंबर 24 21 18 ऐसे करके क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन ऐसा टर्म है, कौन ऐसा टर्म होगा जो फर्स्ट निगेटिव नंबर देगा, क्या देगा फर्स्ट निगेटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, ओके यानी कि हमारा टी एन क्या चाहिए निगेटिव में चाहिए। ओके पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, इधर आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा टी एन जो होगा ये कि कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या होना चाहिए हमारा निगेटिव होना चाहिए। ओके फर्स्ट नंबर निगेटिव होना चाहिए, तो क्या करना होगा हमें जीरो लेते, कोई नंबर तो दिया हुआ हमें पता भी नहीं, यानी कि जो टी एन होगा जीरो से क्या हो जाएगा छोटा होना चाहिए। ठीक तो अब फॉर्मूला आपको आता होगा टी एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू जीरो, ए पता होगा 24, डी कितने का है डी देखिए माइनस 3 का डिफरेंस जा रहा है, माइनस 3 का जा रहा है। ओके तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस 3 इक्वल टू नॉट इज लेस देन जीरो। ओके यानी जीरो से छोटा, जो भी एन आएगा ना जीरो से छोटा होगा, तो ए सॉरी एक जगह क्या करते हैं 24, तो 24 प्लस एन माइनस वन कर देते हैं क्या माइनस 3 एन माइनस माइनस प्लस 3। ओके मल्टीप्लाई ग्रेटर देन जीरो, तो क्या करते हैं 3 एन को उधर भेज देते, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 3 27 इज लेस देन 3 एन। ओके अगर एन का वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगा एन 27 को डिवाइड कर देगा तो ये 9 आ जाएगा। ओके 3 से ये कर लेगा तो इसको सही कर लेते हैं एन ग्रेटर देन, यानी कि एन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 9 लेते तो हमारा निगेटिव जो नंबर फर्स्ट होगा वो निगेटिव, यानी एन इक्वल टू हमें क्या लेना होगा 10। ये क्वेश्चन देखिए गौर से देखिए, दिस वन इज द आंसर नॉट दिस वन, ये सिर्फ बोल रहा है आंसर मेरा हमारा कौन होगा ये होगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए अच्छा कंफ्यूजन, ये देखिए उधर ले इसी चीज को एन इधर लेते एन की ओर होना चाहिए ग्रेटर, इसी सेम उसी तरह कर दी। ओके तो ये बोल रहा है क्या कि अगर एन ग्रेटर हो जाएगा इससे तो वो नंबर क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, तो एन ये क्या कहते हैं इससे एक प्लस आगे करते हैं ग्रेटर नंबर होगा तब निगेटिव, तो 9 से ग्रेटर कौन होता है एक जस्ट 10 होता है, तो यानी कि टी एन जो नंबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं क्या सच्ची में जो टी 10 जो आएगा वो फर्स्ट निगेटिव ही नंबर होगा, तो टी 10 फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए टी 10 का ए प्लस 9 डी। ओके क्योंकि एक माइनस कर देते ए कितना है हमारा 24 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू माइनस 3, तो 24 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3। ओके टी 10 माइनस 3 आ गया, अगर टी 9 लेते तो क्या आ जाता मेरा जीरो आ जाता, तो सही है। ओके चेक इट सॉल्व इट अगेन, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ये देखिए आपके एक्सरसाइज में भी होगा और बनाने के बाद नोट करने के बाद आप एटलीस्ट एक्सरसाइज भी बनाए, नहीं तो फिर आपका सारा कुछ जीरो हो जाएगा, एनसीईआरटी आरएस शर्मा या आरडी शर्मा कुछ भी आप सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए एक फॉर्मूला बताते हैं एक
कॉन्सेप्ट बताते हैं जो अभी नहीं बताया। अभी तक अपने लोग क्या करते हैं कि नंबर अगर दिया हुआ है फर्स्ट टर्म तब कैसे निकालना, अगर मान लीजिए कोई एक नंबर दे दिया जो लास्ट से दिया हुआ है, ओके मतलब इधर साइड से दिया और ऐसे निगेटिव घटते आ रहा है, ठीक है, लास्ट टर्म से बोला सेकेंड लास्ट, मान लीजिए कोई एक नंबर है मान लीजिए ऐसे ऐसे करके है, ठीक इधर से नहीं है फर्स्ट टर्म में, तो बोल देगा क्या यहाँ रहे या नहीं रहे, लास्ट से थर्ड में बताइए कि उस पे टीएन जो भी होगा उस पर कौन सा नंबर होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे फॉर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, लास्ट से जो यूज करते हैं जो जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है, ओके उसी तरह लास्ट टर्म को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एल से, ओके तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक फ्रॉम द एंड टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन डी, सेम कुछ है कुछ नहीं, वहां पे क्या कर सकते ए प्लस करते थे, यहाँ पे क्या करना होगा एल माइनस करना होगा। देखिए वहां पे क्या होता था फर्स्ट टर्म के लिए टी एन के लिए जब यूज करते हैं वहां पे कंपेयर कर लीजिए ए प्लस एन माइनस, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये लास्ट टर्म के लिए यूज हो रहा है और ये फर्स्ट टर्म के लिए यूज हो रहा है, तो दो फॉर्मूला है। तो इसका मैं दो चार क्वेश्चन इस पे मैं करके बता दे रहा हूँ, फिर आप देख लेंगे, ओके तो बने रहिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, ओके पढ़ लिए। ये क्या दिया हुआ है आपका कि ये एपी में ये नंबर दिया हुआ, बट बोल रहा है कि लास्ट से जो 11 टर्म होगा यानी एंड से जो 11 टर्म होगा यानी इसको मानता है कि लास्ट से काउंट करते हैं T1 T2 T3 T4, इस साइड से T1 नहीं काउंट कर रहा है, तो बताइए जो T11 पे होगा वो कौन सा डिजिट होगा, ओके तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फ्रॉम द लास्ट टर्म के लिए क्या होता है L माइनस N माइनस 1 D, ओके अब हमारे पास L पर साइड कितना है L माइनस बताइए, ठीक है और ये L हमारा क्या है यहाँ पे TN, ये तो फॉर्मूला हो गया था T11 के लिए यूज करते हैं, ठीक L माइनस ये क्या हो जाएगा N माइनस 1 ये 10D हो जाएगा, हो जाएगा ना N में अगर वैल्यू 11 रखते हैं माइनस 1 कर दो तो 10D, तो ये L हमारा कितना है माइनस 62, ओके माइनस 10 D का वैल्यू नहीं निकाले तो नॉर्मली इधर से निकाले या उधर से निकाले D का वैल्यू, यहाँ D का वैल्यू क्या हो रहा है माइनस 3, यहाँ से यहाँ क्या हुआ माइनस 3 तो इंटू माइनस 3 कर दे रहे हैं, तो माइनस 62 और माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है ये 30 हो गया, ओके तो आंसर कितना आया माइनस 32, ओके तो यहाँ पे क्या होगा T11 पे माइनस 32, ओके समझ गए, ठीक एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इसके बाद लास्ट हो जाएगा, ओके चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, ओके इसको रीड कीजिए, क्या क्वेश्चन हाउ मेनी थ्री डिजिट देयर आर डिविजिबल बाय 7, यानी थ्री डिजिट के कितने ऐसे नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, ओके क्वेश्चन फंस गया बिल्कुल नहीं, देखते हैं, ठीक है तो यहाँ मैं पहले ही लिख दिया जो थ्री डिजिट का जो पहला डिजिट होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं 6 7 8 का ये कॉन्सेप्ट है, तो 105 से स्टार्ट होगा, 105 से क्या होगा ये स्मॉलेस्ट डिजिट है जो थ्री डिजिट का, थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट है जो 7 से डिवाइड होगा और ये थ्री डिजिट का लार्जेस्ट है जो 7 से डिवाइड होगा, कैसे निकालेंगे थ्री डिजिट का नंबर 999 लीजिए 7 से डिवाइड कीजिए अगर जो रिमाइंडर आता है वो माइनस कर दे तो निकल जाएगा, तो एक चीज को यहाँ पे कितना है कि कितना टर्म होगा हाउ मेनी टर्म्स यानी टी एन जो होगा वो कितना होगा इस तीन यहाँ पे जो डिजिट और वो जो तीनों टर्म होगा वो किससे होना चाहिए 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ए मेरे को पता है 105 है, डी तो पहले ही बता दिया गया है कि 7 से डिवाइड होते हैं यानी 7 7 का डिफरेंस होगा ही, ओके तो क्या हो गया मेरे को एक चीज मगर पता है वहां टी एन पता है टी एन इक्वल टू कितना है 994 है और ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 994, कुछ चीज पता होना चाहिए तभी निकाल सकते ए कितना हो गया 105, ओके एन नहीं पता है हमें एन फाइंड करना है अननोन है एन माइनस वन डी कितना हो गया 7, तो 105 प्लस 7 एन माइनस 7 सॉरी ये मैं क्यों छोड़ दे रहा हूं 994, तो इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 105 माइनस 7 कर देंगे कितना होगा 1 ये क्या हो जाएगा 98 प्लस 7
एम ठीक इक्वल टू 994। तो 7n इक्वल टू क्या हो जाएगा 994 माइनस 98। चलिए इस पार्ट में कर लेते हैं क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7n, इसको इरेज करते हैं, 7n इक्वल टू माइनस करते हैं 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा 6, और ये हो गया हमारा क्या 8, 18 में से 9 लिया 9 और ये हो गया हमारा 8। ओके तो n इक्वल टू क्या होगा 896 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड 7 वन जा 7, ओके बच गया ये कितना हो गया 19, 7 टू जा 14 बच गया 5, 7 8 जा 56, तो n इक्वल टू कितना होगा 128। देखिए ये सब ट्रिक है ओके तो ये आगे भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा, तो इसको खासा ध्यान रखें। ओके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज, इनको आप एक्सरसाइज बनाएं, अगर आगे सवाल बना रहे हैं जिनका एक्सरसाइज बनाएं, फर्स्ट एक्सरसाइज बन जाएगा, एनसीईआरटी भी बन जाएगा, आरटी शर्मा भी बन जाएगा, तो कुछ भी दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो और कुछ चाहिए तो मैं बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो कल होने वाला पार्ट 3, बने रहिए, देखते रहिए, गुड नाइट।